बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वो टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अक्सर बेशतर वक्त की कमी का कहना कहते रहते हैं कि वक्त हमें नहीं मिल पाया, वक्त की कमी का अफसोस करते रहते हैं और शर्मिंदगी का इजहार भी करते रहते हैं। लेकिन बहरहाल वक्त की कदर कीमत चूंकि उनको क्लियर नहीं होती, लिहाजा उनके नज़दीक वक्त उनको कम मुयसर है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। परवरदिगार ने हर एक को जो वक्त दिया है तो हर रोज़ हम सब के पास 24 घंटे ही होते हैं। आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है कि हम वक्त की कदर क्यों नहीं करते और हम वक्त की कदर कैसे करें। आज की हमारी इस वीडियो के बेसिकली दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि हम वक्त की कदर क्यों नहीं करते और अगला हिस्सा उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड है कि हम वक्त की कदर कैसे करें। सबसे पहली बात तो ये है कि इस टॉपिक पर डिस्कशन करने से कबल हमको ये बात अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि वक्त की कदर व कीमत किस कदर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा अहम रिसोर्स आपके पास और मेरे पास अवेलेबल है जिसका नाम है वक्त। परवरदिगार ने हम सबको जो वक्त मुयसर हम लोगों को किया है, जो हम लोगों को प्रोवाइड किया है, वो सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमसे कोई इसके हवाले से कोई कीमत हमसे चार्ज नहीं की जा रही है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि हम में से बेशतर अफराद, हम में से ज़्यादातर अफराद अपने वक्त की कदर कीमत बिल्कुल भी नहीं जानते। उनको ये पता ही नहीं है कि वक्त कितना ज़बरदस्त किस्म का एक रिसोर्स है, कितना ज़बरदस्त किस्म का एक ख़जाना है जो उनको मुयसर है, और वो अपने वक्त की कदर कीमत ना समझते हुए वक्त को बर्बाद कर रहे होते हैं। जब तक हमें ये बात ही क्लियर नहीं होगी कि वक्त की कदर कीमत है क्या, हम किस तरीके से वक्त का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आपने गौर किया है कि जब आप फेसबुक यूज़ करते हैं, जब आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, जब आप सोशल मीडिया से मुंसलिक होते हैं, तो आपका वक्त कितना तेज़ी के साथ गुजरना शुरू हो जाता है। जब आप कोई ड्रामा या कोई आप फिल्म या मूवी देख रहे होते हैं तो कितना तेज़ी के साथ आपका वक्त गुजर रहा होता है और आपको ये एहसास ही नहीं होता कि हमारा और आपका वक्त कितनी तेज़ी के साथ गुजर रहा है। याद रखिएगा, परवरदिगार की जानिब से जितना वक्त आपको मुयसर है और मुझे मुयसर है, वो जैसे ही एंड होगा उसके बाद एक अकलौता लम्हा भी मुझे और आपको नहीं मिलेगा। जब मेरी और आपकी मौत का वक्त आएगा, मलकुल मौत हमारी रूह कब्ज़ करने के लिए आएगा, उस वक्त एक लम्हा भी एक्स्ट्रा हमें और आपको नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ जितनी ज़िंदगी मैं इस वक्त इस दुनिया में लेकर आया हूँ, वो ज़िंदगी जैसे ही एंड होगी मेरा मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा वक्त का। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अपने वक्त को इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से यूटिलाइज करना है, इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करना है, ऐसा इस्तेमाल करना है कि मेरी दुनिया भी बेहतर हो जाए और मरने के बाद की ज़िंदगी यानी कि आखिरत भी इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा होगा कैसे। उसका जवाब ये है कि मुझे हर हाल में सोचना पड़ेगा अपनी तमाम एक्टिविटीज़ के बारे में जो मैं रोज़ाना की बेस के ऊपर परफॉर्म करता हूँ, किन किन मामलों के अंदर मेरा वक्त ज़्यादा खर्च हो जाता है, किन किन मामलों में मैं अपने वक्त को बर्बाद कर रहा हूँ, वेस्ट कर रहा हूँ, उन तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ के ऊपर मुझे निगाह रखनी पड़ेगी। अगर मैंने निगाह नहीं रखी तो याद रखिएगा दोबारा से इस दुनिया में आने का मौका ना मुझे मिलेगा और ना आपको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने वक्त को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें वक्त की कदर कीमत का एहसास अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको वक्त की अहमियत का एहसास होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप वक्त को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जो उनवान है उसका जो पहला हिस्सा है कि हम वक्त की कदर कीमत क्यों नहीं करते, तो उसका जवाब बहुत आसान सा है कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हमारे पास कितना ज़बरदस्त किस्म का ख़जाना मौजूद है। बिल्कुल इस बात को ऐसे समझें कि एक कोई शख्स है, उसके पास माँ और बाप दोनों की जो नेमत है वो मुयसर है। वो बच्चा या वो बंदा अपने माँ और बाप की यानी कि वालदैन की कदर कीमत नहीं समझ रहा है। दो में से कोई एक चला गया है दुनिया से और उसके बाद वक्त आने पर दूसरा भी दुनिया से चला गया। अब उस बच्चे को एहसास होगा कि कितना बड़ा ख़जाना उसके पास से वो निकल चुका है और वो उस ख़जाने से महरूम हो चुका है, क्योंकि दुनिया में 7 अरब से ज़्यादा आबादी में माँ और बाप जिसको वो कहता था, अब किसी भी और शख्सियत को माँ और बाप नहीं कह सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि उस्ताद जो है वो भी बाप का दर्जा रखता है, लेकिन वो कौन सा बाप है? रूहानी बाप है। और वो बाप जिसकी वजह से आप और मैं इस दुनिया में तशरीफ लाएं, वो सिर्फ और सिर्फ वही है जिसको हम अपना बाप या अपना वालिद कहते हैं। इट मीन्स दैट जब वो इस दुनिया से चला गया या चला जाएगा, तो फिर ऐसी सूरत में मैं किसी और को अपना बाप नहीं कह सकता, किसी और को अपनी माँ नहीं कह सकता। इसका मतलब ये हुआ एहसास कब होगा? जब वो इस दुनिया से रुख्सत हो जाएंगे।
इट मींस दैट कितना ही अच्छा हो कि उनके रुख्सत होने से पहले मैं उनकी कदर और मंजिलत को सही मायनों में अपने दिल से तस्लीम करूं और दिमागी तौर पर बात को मानते हुए उनकी जो इज्जत और एहतराम है जो उस पर वाजिब है उसके मुताबिक मैं अमल करूं। यही चीज वक्त के ऊपर है कि मेरे और आपके पास जितना वक्त अवेलेबल है उस वक्त को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज उसी वक्त किया जा सकता है जब इसकी अहमियत आपको क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपया को कभी भी आप माचिस से आग नहीं लगाएंगे। सवाल ये पैदा होता है क्यों नहीं लगाएंगे आप जवाब ये देंगे कि भाई 1 करोड़ रुपया इतना ज्यादा पैसा है कि पूरी जिंदगी भी अगर मैं काम ना करूं तो फिर ऐसी सूरत में उस पैसे से मैं फायदा उठा सकता हूं। इसका मतलब हुआ इस पैसे की बहुत ज्यादा कदर व मंजिलत है, बहुत ज्यादा कदर व कीमत है। बिल्कुल यही चीज वक्त के साथ है कि अगर आपको पता हो अच्छी तरीके से क्लियर हो कि वक्त की कितनी ज्यादा अहमियत है तो फिर ऐसी सूरत में आप कभी भी अपने वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ ये बात बिल्कुल नहीं कही जा रही कि फेसबुक है, व्हाट्सअप है, सोशल मीडिया है, या अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना है, गपशप है, या कहीं आप एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं, इन सब एक्टिविटीज में वक्त बिल्कुल खर्च ना किया जाए, ऐसा खत्म नहीं कहा जा रहा है। सारे के सारे अच्छे काम है, दोस्तों से मिलना भी अच्छा काम है, पिकनिक पर जाना भी अच्छा काम है, फेसबुक और व्हाट्सअप के ऊपर अगर आप मुंसलिक हैं तब भी आप कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं। हम तवज्जो इस जानिब दिला रहे हैं कि अगर आप इन तमाम एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहे हैं तो कोई मुजायका नहीं है, लेकिन मुजायका इस सूरत में हो जाएगा कि जब आप जरूरत से ज्यादा अपने वक्त को इन तमाम एक्टिविटीज में खर्च कर रहे हैं। पिकनिक मनाने का कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हर चौथे दिन, हर तीसरे दिन आप पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो कोई अकलमंद शख्स आपकी इस एक्टिविटी को अच्छा करार नहीं देगा। वो बोलेगा भाईजान पिकनिक मनाना आपके लिए जहर है, क्योंकि आप तो हर तीसरे चौथे दिन जना पिकनिक मना रहे होते हैं। इट मीन्स दैट कि आपको खुद देखना चाहिए कि किस काम को कितना वक्त आपको देना है। अगर आप उससे ज्यादा वक्त खर्च कर रहे हैं तो याद रखिएगा आप किसी भी शख्सियत का नुकसान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक शख्सियत का नुकसान कर रहे हैं और वो कोई और नहीं, आप खुद हैं, क्योंकि आप बेसिकली अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। बाद लोग एक जुमला बोलते हैं जो मशहूर और मारूफ जुमला है, हम टाइम पास कर रहे हैं। भाईजान आप क्या टाइम को पास करेंगे, टाइम आपको पास कर रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम जैसे ही आपका कंप्लीट होगा आप इस दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ चले जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप वाकई में अपने वक्त को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपको वक्त की कदर और मंजिलत पता होनी चाहिए। जब आपको एहसास होगा कि वालदैन का क्या मुकाम है और अगर ये खुदा नखास्ता इस दुनिया से चले गए तो फिर मैं कितनी जबरदस्त किस्म की हस्ती से महरूम हो जाऊंगा, तो फिर आप अपने वालदैन की कदर और मंजिलत बहुत ज्यादा होते हुए उनका एहतराम बढ़ा देंगे। सेम यही चीज 1 करोड़ रुपए के ऊपर है। आपको पता है कितनी कीमती चीज है, उसको बर्बाद नहीं करेंगे आप, उसको जाया नहीं करेंगे आप, उसको अपने हाथों जलाएंगे नहीं। बिल्कुल यही चीज वक्त के ऊपर है कि आपको पता अगर होगा अच्छी तरीके से कि वक्त कितना ज्यादा जबरदस्त किस्म का रिसोर्स है तो आप इसको फूक फूक कर खर्च करेंगे, बहुत एहतियात से खर्च करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हम वक्त की कदर कीमत क्यों नहीं करते का जवाब आपको अब तक क्लियर हो गया होगा कि हमें एहसास नहीं है कि वक्त इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसी वजह से हम वक्त को उतना अहमियत उसकी नहीं देते वक्त को कि जिनके उसका सही और जायज मुकाम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनवान का दूसरा हिस्सा कि आप वक्त की कदर और मंजिलत अगर आपको क्लियर नहीं थी तो उसका नुकसान क्या हुआ, वो बात क्लियर हो गई। अब वक्त की कदर और कीमत हम कैसे करें, यानी कि उस मसले का हल क्या है, तो सॉल्यूशन बहुत आसान सा है। और सॉल्यूशन ये है कि जब आपको इस बात का अच्छी तरीके से एहसास हो जाएगा कि वक्त कितना ज्यादा अहम है, आप खुद ब खुद वक्त को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे। अच्छे तरीके से यूटिलाइज कैसे करेंगे, उसका बहुत आसान सा तरीकाकार है कि आप तमाम की तमाम एक्टिविटीज को उसके असल और सही टाइम के ऊपर परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल आपको स्टडीज करनी है, स्टडीज का अगर आपने पहले से कोई टाइम तय नहीं किया हुआ है तो ये खुद एक बड़ा मसला है, आपने टाइम तय कर लिया, अब जो पढ़ने का टाइम है उस टाइम पर कोई भी दूसरी किस्म की एक्टिविटी में आप अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। फायदा क्या होगा कि जब पढ़ने का टाइम था अगर आप उस टाइम पर पढ़ लेंगे तो दूसरे टाइम पर दूसरे कामों का परफॉर्म बेहतर तौर पे कर सकते हैं। अगर आपने सही मायनों में अपने वक्त की कदर और मंजिलत को दिल में उजागर कर लिया तो ये बात याद रखिएगा आप कम वक्त में बहुत ज्यादा काम परफॉर्म कर सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया के बहुत सारे लोग जो अपने अपने शोबे में बेहतरीन परफॉर्मेंस है जिन्होंने मुजाहरा किया, वो कौन अफराद थे, वो अफराद थे जिनके बिल्कुल वाजे था कि वक्त की क्या कदर मंजिलत है और उन्होंने अपने वक्त को बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया, 24 घंटों को मुख्तलिफ कामों में डिवाइड किया, टाइम मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, और टाइम मैनेजमेंट के नतीजे में उन्होंने बहुत कलील वक्त में बहुत कुछ हासिल कर लिया। बहुत सारे लोग उनकी उस परफॉर्मेंस को देख के हैरान हो जाते हैं कि यार इतनी कम उम्र में सामने वाले ने क्या कुछ हासिल कर लिया, तो उसका जवाब क्या है कि उसने अपने टाइम को अहमियत दी और टाइम को अहमियत देने के बाद अपने मुस्तकबिल को बेहतरीन से बेहतरीन कर लिया।
सवाल ये पैदा होता है कि हम में से मेजॉरिटी नाकाम क्यों साबित होती है, उसका जवाब यकीनी तौर पर आपको क्लियर हो गया होगा कि हम चूंकि अपने वक्त को अहमियत नहीं देते, अपने वक्त को बर्बाद कर रहे होते हैं, और सिर्फ बर्बाद नहीं करते बल्कि बहुत जबरदस्त तरीके से बर्बाद करते हैं, अपने वक्त का कत्ल खुद अपने हाथों करते हैं, जिसका नतीजा ये बरामद होता है कि हम खुद कत्ल हो जाते हैं, हमारा मुस्तकबिल कत्ल हो जाता है। कत्ल सिर्फ वो ही नहीं होता जिसको हम मर्डर का नाम देते हैं, मर्डर ये भी है कि हम अपने वक्त को बर्बाद करें, अपने वक्त की कदर मंजिलत को ना समझें, अपने वक्त का सही इस्तेमाल ना करें, जिसके नतीजे में हमारा वक्त खुद हमारे ही हाथों बर्बाद हो जाता है और हम वो कुछ हासिल नहीं कर पाते जो कुछ हम हासिल करने के हकदार थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो नुकसान हुआ उस नुकसान को पहुँचाने वाला कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। कहते हैं ना कि मैं खुद अपनी जात का दुश्मन बना हुआ हूँ, बिल्कुल ये चीज़ है उस हर शख्स के लिए जो अपने वक्त को बर्बाद कर रहा हो। उम्मीद है कि आप हमारी इस बात से एग्री करेंगे और इस बात को समझते हुए अपने वक्त की कदर मंजिलत को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करेंगे। खास तौर पर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए अपने वक्त को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। और अफसोसनाक मुकाम यह है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी मेजॉरिटी, उनकी अक्सरियत वक्त का सही इस्तेमाल नहीं कर रही। मैं तमाम स्टूडेंट्स को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मेजॉरिटी वक्त का इस्तेमाल सही नहीं कर रही, जिसका रिजल्ट क्या आता है, मुस्तकबिल में हम तमाम तर शोबों के अंदर अपने आप को पीछे महसूस कर रहे होते हैं, और पीछे धकेलने में कोई और नहीं खुद हमारी ज़ाती कारफरमा होती है। उम्मीद है कि इस जानिब हम सबको तवज्जो देनी चाहिए और आपको भी तवज्जो देनी चाहिए और मुझे भी। जितना ज़्यादा और बेहतर तरीके से हम तवज्जो देंगे उतना ही ज़्यादा अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये बात पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करवाएं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सर अली अहमद के नाम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फौरन और बरवक्त मिल सके। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।